एक एक पुलिस वाला कह रहा है क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं पता नहीं क्या नाम था प्रदीप कुमार था क्या कहा गया ये कह रहे हैं यहाँ पे खड़े थे कह रहे तुम्हारे तो मुंह पे थप्पड़ मारूंगा मार दूंगा इस बात से मार देगा सिर्फ आने के लिए हाँ अंदर आने के अंदर भी नहीं आ रहे तो बाहर खड़े आराम से कुछ कह नहीं रहे क्या क्या बदतमीजी की निकल जाओ मारेगा फोन मिला रहे मैं फोन पे मारे थप्पड़े ये पत्थर थप्पड़ का जवाब दे सकते हैं ये प्यार प्रेम से चल रहे हैं प्यार प्रेम से देख के जोड़ के मेरा लाल जागे ना ये सीन है इस दिल्ली का ये सारा काम कर रहे हैं हाँ तो यहाँ हमारे हरियाणा से है रोहतक जिला हमारा अलग अलग है ये खड़े आराम से देख रहे हैं यहाँ पे टेंट भी लगेंगे सारी चीज होगी बेटियों को न्याय तो हम दिला लेंगे कानून को न्याय कौन दिलाएगा अरे बताया बेटियों को न्याय तो हम दिला लेंगे इस कानून को न्याय कौन दिलाएगा इस देश में कानून को कौन दिलाएगा अरे दोबारा है ये देश हमारा है इस देश की बेटियां हमारी हैं बेटियों की इज्जत हम बचा लेंगे लेकिन ये जो कानून धमकी दे रहा है कानून की इज्जत कौन बचाएगा कोई बात नहीं दोबारा लगा लेंगे टेंट टेंट दोबारा लग जाएंगे लेकिन टेंट लगा लेंगे हम अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे हम किसानों की बचाएंगे लेकिन कानून की इज्जत कौन बचाएगा सरकार बचाएगी कौन बचाएगा ये आपसे क्या वार्तालाप हुई अभी पुलिस की पुलिस ने गलत टोटली गलत किया हमें मारने की धमकी दी बुजुर्गों को मारने की धमकी किस बात में धमकी दी क्यों वैसे ही यहाँ आने की हम बैरिकेड खड़े हैं यहाँ से चले जाओ नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे थे ये भाई खड़ा है पुलिस वाला पूछो इनसे कितना अभी से मत इस बात पे आपको हाँ उन्होंने धमकी दी है ये खड़े बुजुर्ग बोले यहाँ से थप्पड़ मारेंगे हाँ जी आप बताइए क्या बोला जी इस समय अजमेर जी हमारे साथ मौजूद हैं कैसे देखते हैं सर एक जगह संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं दूसरी ओर तंबू उखाड़ दिया जाता है देखो जी ये ऐसा मोदी सरकार ऐसी तानाशाही इन महिला पहलवानों के साथ कर रही है और हम भी 80 किलोमीटर चलकर आज जंतर मंतर के लिए घर से निकले थे तमाम जगह सिंघू बॉर्डर हो गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो तमाम और आगे करनाल बाईपास हो हर कहीं बैरिकेटिंग थी और यो ये तो बड़ा ही शोषण का मामला है उल्टा जो पीड़ित है खुद उनको डिटेन करी है सरकार आप देख सकते हो कैसा एक मतलब लोकतंत्र पर बिल्कुल सरेआम पर आ रहा है ये ऐसा ये किसान यूनियन तमाम महिलाएं जनवादी संगठन है इसका विरोध कर रहे हैं आज या कल को जल्दी कोई बड़ा फैसला खापे और तमाम यूनियन महिला संगठन बड़ा फैसला लेने जा रही है कल को ऐसा आपको जल्दी तो आज जो महापंचायत होनी थी महिलाओं की उसमें क्या फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है चल उम्मीद काफ़ी उम्मीद दी थी वहाँ जैसे ही खिलाड़ी वो क्या नाम है उसके पंचायत के लिए निकले तभी उन्हें सब तमाम पहलवानों को महिला पहलवानों को सरकार ने डिटेन किया है और जो फैसला जितना जल्दी फैसला आना था आज वो कल को तमाम खापे बड़ा निर्णय हो सकता मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और भी तमाम किसान नेताओं के माध्यम से फोन आपस में संपर्क हो रहा है हमारे साथी काफ़ी थाने में डिटेन है या बसंत कुंज है और आर के पुरम में अच्छा आपने नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है उद्घाटन हुआ है सिंगोल के बारे में आपने सुना होगा कहा जा रहा है कि राजतंत्र अब आ गया है लोकतंत्र की हत्या हो गई है क्या सोचेंगे इस बारे में देखो ये तो सरेआम आज आपके सामने भी है कोई भी पीड़ित अपना न्याय की दुहाई के लिए उस न्यू जो पार्लियामेंट हाउस है उसके सामने जो परिप्लान था घोषित था कि हमने वहाँ महिला महापंचायत करनी थी न्याय के लिए वो लोकतंत्र उस भवन से क्या आशय है भारतीय मीडिया और भारतीय पब्लिक को क्या आशय है उसे न्याय हो किसी का माइक बंद होता है ऐसे मतलब आज का जो 2023 का भारतीय है असुरक्षित महसूस कर रहा है उस संसद से जो आज ही जिसका उद्घाटन आज ही पहले दिन ही उसके साथ मतलब भारतीय दर्शकों किसानों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है हम उससे बिल्कुल भी आशा ही नहीं है बिल्कुल खुश नहीं है बिल्कुल खुश नहीं है
अच्छा, एक तरफ प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरी ओर यहाँ पर जो महिलाएं आगे जाती हैं संसद की ओर जाने का प्लान उन्होंने किया था कि आगे हम महापंचायत आज करेंगे, और उनके पीछे से उनके जितनी भी यहाँ पर सामान था वो सब हटा दिया जाता है, कूलर ले जा दिया जाता है, गद्दे हटा लिए जाते हैं। क्या लग रहा है, क्या ये प्री प्लान्ड चीज़ें थी, पहले से प्लान्ड था ये सब? आज से ढाई और डेढ़ साल पहले ऐसे ही 26 जनवरी 2021 को जब ये किसान लाल किले पा रहे थे, तब भी ऐसे ही उन्होंने किसी भी आंदोलन को दबाने का, कुचलने का इनका नया आइडिया है। ये जो फासिस्ट फोर्स है, सांप्रदायिक ताकते हैं, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको ये चकनाचूर कर देते हैं। इसको ये उत्तर कोरिया या चाइना बनाने की कोशिश है, लेकिन ये किसान और ये महिला संगठन जितने भी है, इसको अपने जो भी ये सरकार ये मंशा उनकी, मतलब आवाज़ को दबा दिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होने दिया जाएगा। इसका मुंह तोड़ जो आप 24 में भी होगा, वोट की चोट पर भी होगा, और हर सतर पर इसको झुका के छोड़ेंगे। उस ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के बगैर ये धरना बिल्कुल भी समाप्त नहीं होगा। इस धरने को गांव-गांव, गली-गली, कुचे तक पहुँचाएंगे।